सिंह जी, माननीय जलशक्ति मंत्री गवर्नमेंट ऑफ यूपी, माननीय सतपाल महाराज जी, माननीय मंत्री सिंचाई विभाग गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, श्री राम वेदरी जी एडवाइसर जो अमेरिके से हमें इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर रहे हैं, और कुली कलेक्टर्स, मैं आप सबको इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का सिलसिला का पहला कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जब ये कैंपेन मार्च 22 को लॉन्च किया था, काफी देश के काफी सरपंच इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, तब से काम चल रहा था। अब बीच में कोविड के वजह से थोड़ी रुकावट आई है, फिर भी अभी पिकअप हो गया। और माननीय मंत्री जी ये सोच रहे कि अभी इसको और एक पुश करेंगे तो ज्यादातर काम हो जाएंगे। और सर, इस आज यूपी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कलेक्टर्स हैं सर, इनमें से कई कलेक्टर्स हमारे वो डाली और डीएम के साथ जो मीटिंग किया करते थे सर, नेशनल वाटर मिशन और पहले पिछले सेक्रेटरी साहब, काफी लोग उसमें भाग किए थे। सो मेनी ऑफ देम आर मोटिवेटेड एंड अवेयर ऑफ दी वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू दी रेन वाटर कंजर्वेशन सर। So with this brief introduction, I request the Honorable Minister for Jal Shakti, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, to give the inaugural address on this meeting. धन्यवाद। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उत्तराखंड के जल संसाधन मंत्री श्रद्धेय सतपाल महाराज जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी, मेरे सहयोगी श्री श्रीराम वेदरे जी, भारत सरकार के अधिकारीगण, और इन दोनों ही प्रांतों के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सारे जिलाधिकारी बंधुओं बहनों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना की इस आपदा से लड़ने के लिए आप सबने अपने अपने जिलों में जिस तरह से प्रबंधन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के निर्देशों के अनुरूप आप किए गए, आप सबके कार्य और आप द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स के कारण से हम कोरोना की इस आपदा से पार पा सके, काबू पा सके, और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को भी प्रभावी रूप से चलाने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। अब तक हम 38 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस लगा करके दुनिया का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा, सबसे अधिक प्रसार वाला टीकाकरण अभियान चलाने में सफल हुए। निश्चित रूप से ये राहत की बात है कि प्रधानमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में कोरोना की महामारी पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी भी बीमारी का खतरा टला नहीं है, हमें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, और हमारी सावधानी ही आने वाले समय में हमें इस सब से बचा सकती है। साथियों, जैसे एक तरफ प्रकृति हमें जलामृत का उपहार दे रही है, और यह ऐसा समय है कि जब, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न अवसरों पर कहा कि हम इस जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान की जो बूंद पानी की जहां गिरे उस बूंद पानी का वहीं संचय किया जाए, और संचित किए हुए जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था उसको और अधिक गति प्रदान करने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा सरकार में चुने जाने के बाद
देश में जल का विषय जो विभिन्न विभागों में और वे अनेक एकाधिक मंत्रालयों में अलग अलग जगह डिस्कस होता था, उस सब को इंटीग्रेट करके हॉलिस्टिक प्लानिंग के लिए एक मंत्रालय का निर्माण किया था। और तब से लेकर के अब तक अनेक ऐसे अवसर आए होंगे जब विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हुए, चाहे वो मन की बात हो, सरपंचों के साथ में उनका संवाद हो, विश्व जल दिवस का कार्यक्रम हो, या और अनेक प्लेटफॉर्म जिनकी मैं चर्चा कर सकता हूँ, जिन पर बात करते हुए जल, जल संरक्षण, जल संचय, वर्षा जल के संरक्षण और संचय, इनके ऊपर विस्तार से बातचीत की है। हम सब जानते हैं जिस तरह की परिस्थिति हमारे देश में है, निरंतर आबादी का बढ़ने के कारण से हमारी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार कम हो रही है। जहां आज से 50 वर्ष पूर्व जो नेचर से, प्रकृति से हमको प्रतिवर्ष पानी मिलता है, उसके चलते जो हमारी उपलब्धता प्रति व्यक्ति 5,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा होती थी, वो घट करके अब 1200-1500 क्यूबिक मीटर के बीच में आ गई है। और आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ने के बाद में और क्लाइमेट चेंज के विजिबल इंपैक्ट जो आज हमारे डोर स्टेप पर हैं, उसके कारण से जिस तरह से चुनौतियां और बढ़ी है हमारे सामने और आने वाले भविष्य के सामने, एक बहुत बड़ा खतरा ऐसा दिखाई देता है। और इस दृष्टिकोण से ही इस बात की आवश्यकता को महसूस करते हुए कि हम वर्षा के जल का अधिकतम उपयोग करें, संचित करके अपने उपयोग में किस तरह से लाया जा सकता है, और उसके साथ साथ में, क्योंकि हमारे देश में हमारी सबसे ज्यादा डिपेंडेबिलिटी आज भी ग्राउंड वाटर पर है, हमारे भूमिगत जल संसाधनों को सबसे ज्यादा तेजी से रिचार्ज कैसे किया जा सकता है, इस दृष्टि पर से और अधिक काम करने की आवश्यकता है। मुझे याद है 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया था कि मैं जल की उपलब्धता और जल की मांग और वर्तमान में दुनिया और देश की परिस्थिति, इसको लेकर के सांसद मित्रों को एक प्रेजेंटेशन करूं, सारे सांसदों के सामने ये विषय रखूं। मैंने जब विस्तार से इस विषय को रखा था, मैंने उस प्रेजेंटेशन के समय अपने सांसद मित्रों से पूछा था कि हमारे देश का सबसे बड़ा रिजर्वायर कौन सा है। कुछ मित्रों ने अपने अपने क्षेत्र के रिजर्वायर जो बड़े बांध हैं उनके बारे में उनका नाम लिया, कोई श्रीशैलम बता रहा था, कोई सरदार सरोवर बांध को बता रहा था, कोई रणजीत सागर बांध को बता रहा था, सबने अपने अपने दृष्टि से, उत्तराखंड के साथियों ने टिहरी के बांध को सबसे बड़ा बांध बताया था। लेकिन मैंने कहा कि यदि कुल मिलाकर हम जल संचय जितना करते हैं और जितना जल हमको साल भर में मिलता है, देश के उपभोग में जितना जल आता है उसकी यदि मैं तुलना करूं, तो दुनिया देश का सबसे बड़ा रिजर्वायर हमारी मदर अर्थ है, हमारी धरती माता है, जिसकी कोख से हमको सबसे ज्यादा पानी मिलता है। और अब क्योंकि लगातार दोहन होने के कारण से, अति दोहन होने के कारण से वो संसाधन दबाव में है और वो जो है मां का आंचल जो निरंतर सूखता जा रहा है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से बारिश के अनुपात गड़बड़ा रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कली की घटना जो धर्मशाला की हुई है, किस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ, और इस तरह की घटनाएं जिस तरह से निरंतरता बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं देश के एक क्षेत्र में सूखा पड़ता है, दूसरे क्षेत्र में जलप्लावन की स्थिति पैदा होती है। यदि मैं 13 जुलाई तक के आंकड़ों की भी चर्चा करूं, तो जब एक समय में ऐसा लगता था कि मानसून जो है वो एडवांस चल रहा है, वहीं एकाएक मानसून ने अपनी चाल बदली, अपनी दिशा बदली, और देश के पूरे उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी क्षेत्र, इन दोनों से एकदम से ऐसा लगा कि मानसून रूठ गया है। 15 दिन तक बरसात का नामो निशान नहीं था, अब वापस स्थितियां कुछ परिवर्तित हुई। 13 जुलाई तक सामान्यतया पूरे भारत का अगर मैं औसत देखूं तो 280 मिलीमीटर बारिश को औसतन औसत बारिश ऐसा माना जाता है, लेकिन अब तक पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में 6 मिलीमीटर का जो है, 6% कम, लगभग 233 मिलीमीटर बरसात हुई है।
लेकिन उसका भी यदि अगर मैं भारत के विभिन्न हिस्सों का वर्गीकरण करके फिर यदि उसे देखूं तो एक बहुत बड़ी असमानता हमें दिखाई देती है। ऐसे में प्रत्येक बूंद जो प्रकृति से उपहार के रूप में हमें मिलती है उसका संचय करना की आवश्यकता और इस विषय की प्रासंगिकता दोनों ही बढ़ जाती है। 2019 में सरकार बनने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे मंत्रालय को एक जिम्मेदारी दी थी और हमने देश के 256 जिलों में एक जल शक्ति अभियान ऐसा प्रारंभ किया था और 256 जिले वो जिले थे जो सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो देश में हैं। ऐसे जिले जहां भूगर्भ के जल की चुनौती सबसे बड़ी है और जो है क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं जहां अकाल मेरा सहोदर है, मेरे साथ में जन्मा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उन जिलों में इस जल शक्ति अभियान को प्रारंभ किया, भारत सरकार में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और उससे ऊपर के एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी और उनके साथ में सेंट्रल वाटर कमीशन, CGWB के इंजीनियर्स, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, उनकी टीम बना करके उन जिलों में भेजा गया। तीन तीन चार चार बार उन जिले में जाकर के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा किया और उनको चार पांच मुख्य विषयों पर काम करने का ऐसा आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनकी बैठक लेकर के कहा था। पहला विषय था कि हम रेन वाटर वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करें। दूसरा था कि हम अफोरेस्टेशन की एक्टिविटीज को किस तरह से और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, वनीकरण को और पेड़ पौधे लगाने की एक्टिविटीज को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस पर काम करें। और तीसरा विषय जो इस परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो के मार्गदर्शन में जो हमने दिया था वो है कि हम परंपरागत वाटर बॉडीज को किस तरह से रिजुविनेट कर सकते हैं, उनको रिस्टोर कर सकते हैं, उनमें जो अतिक्रमण हुए हैं उनको रिक्लेम करके वापस कैसे उन सबको यथास्थिति में लाया जा सकता है, पानी के संचय की प्रवृत्ति बने और विवेकपूर्ण उपयोग की प्रवृत्ति बने और रीयूज की प्रवृत्ति बने, इसको मोटिवेट करने के लिए एक बज क्रिएट किया जाए स्पेशली यूथ में। इसको लेकर के भी विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी उन सबको दी गई थी। मित्रों, अद्भुत प्रभाव, आप में से भी बहुत सारे जिले शायद जो आज कुछ मित्र उपस्थित हैं उनके भी शायद कुछ जिले उस समय के जल शक्ति अभियान में इंक्लूड हुए होंगे और जो जिलाधिकारी उस समय नोडल ऑफिसर्स थे आज से 2 साल पहले, उन्होंने जिस तरह से इस विषय में काम किया और जिस उत्साह के साथ में इस विषय को लिया और इसके जिस तरह से आशातीत परिणाम आए, जो हमने अपेक्षा की थी उससे भी बेहतर परिणाम जो आए, उसके चलते इस अभियान को अखिल भारतीय स्वरूप देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया गया। और अभी जब 22 मार्च को पूरा देश जब या पूरा विश्व जब जल दिवस ऐसा मना रहा था, उस शुभ दिन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड वेन इट फॉल्स, इसकी जो है कल्पना पूरे देश को दी और इस नए कार्यक्रम का सूत्रपात किया। जैसे मैंने कहा कि जल जो हमारे जीवन का था, विच इज एलिक्सर ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जीवन का आधार है, वो हम सबको निरंतर उपलब्ध होता रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी उसकी उपलब्धता रहे, इस दृष्टिकोण से हमें जल संचय और संरक्षण के ऊपर और अधिक गति से काम करने की आवश्यकता है। जो देश के जल संकट ग्रस्त 2836 ब्लॉक है उसमें से 1539 ब्लॉक, 1592 ब्लॉक में जो हमने पिछली बार कार्यक्रम किया था, उस प्रथम चरण के अभियान में उत्तर प्रदेश के 35 जिले, और मैं यहां पर विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने उस समय, हमने अपेक्षा की थी कि उत्तर प्रदेश में ये 35 जिलों में ये कार्यक्रम चले, लेकिन उन्होंने घोषणा करके स्वप्रेरणा से उसे पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ में लागू किया था। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर के सारे प्रदेश में सभी राज्यों को इस तरह के काम करने की आवश्यकता थी और ये उत्तर प्रदेश से जनित उत्साह ही था जिसने हमें इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में एक साथ लागू करने का के लिए प्रेरित किया।
मित्रों, मार्च से लेकर के 30 नवंबर तक ये कैच द रेन अभियान चलने वाला है, और 30 नवंबर की ये डेट इसलिए रखा गया है कि मानसून, हम जानते हैं कि देश में दो हिस्सों में आता है, पहले देश के जो है उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिमी क्षेत्र में आता है, और फिर दक्षिण क्षेत्र में जब रिट्रीटिंग मानसून आता है वो लगभग नवंबर तक जाते जाते समाप्त होता है। तो पूरे देश भर में मार्च से लेकर नवंबर तक इस तरह की गतिविधियां चलें। इस कार्यक्रम में के निमित्त, इस जल शक्ति अभियान के निमित्त कैच द रेन कॉन्सेप्ट के साथ में हमने काम करना प्रारंभ किया है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 मार्च 2021 को इस अभियान की सफलता में सहयोग करने के लिए उन्होंने देश के सब मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, और साथ साथ में 24 मार्च 2021 को उन्होंने देश के सभी गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधि, कहीं जिन्हें हम मुखिया की संज्ञा देते हैं, कहीं प्रधान की संज्ञा देते हैं, कहीं सरपंच की संज्ञा देते हैं, या किसी और नाम से पुकारते होंगे, उन सबको अलग अलग लैंग्वेजेस में अपनी तरफ से पत्र लिख करके गांवों में इस तरह की डेडिकेटेड ग्राम सभाएं करने और जल शक्ति अभियान कैच द रेन के साथ में सहयोग की सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक अवसर पर यह विषय रखते हैं, और हम सब भी इस बात को जानते हैं, आप सब लोग धरातल पर काम करने वाले अधिकारी के रूप में काम करते हैं, इन सब विषयों को नोडल अधिकारी के रूप में आप लोग काम करते हैं, कि जब कोई भी बड़े से बड़ा विषय जब समाज उसे ओन कर लेता है, जब समाज उसका उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर उठा लेता है, तो वो विषय अपने आप सरल बन जाता है और उसकी सफलता अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए इस कार्यक्रम में पीपल्स पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है, वो सब पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा घटक है। इसलिए इसे सरकार का कार्यक्रम होने के ना बजाय हम इस जल संचय के आंदोलन को जन भागीदारी कर से जनित एक जन आंदोलन के रूप में किस तरह से खड़ा कर सकते हैं, इस सब के लिए आप सबको विचार करने की कार्य और इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। इस कार्यक्रम के तहत जो विभिन्न गतिविधियां देश भर में हो रही हैं उसके संचालन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नेशनल वाटर मिशन को जो है जिम्मेदारी दी गई है, और मेरे मंत्रालय के अधीन काम करने वाले इस विभाग में श्री अशोक कुमार इस इन सारी गतिविधियों को देश भर में संचालित करते हैं, आप सबसे भी निरंतर संपर्क में रह करके इसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ में इसको लेकर के हमने एक महत्वपूर्ण योजना और भी बनाई है कि अपने राजस्व रिकॉर्ड में जो जल वाटर बॉडीज जो अंकित हैं उन सब का वापस पुनः एक बार मैपिंग करें, और साथ साथ में जीआईएस मैपिंग के माध्यम से हम किस तरह से जो हमारे जल संसाधन है उन सबको चिन्हित करके और उनको लिस्ट करें, क्योंकि हमें जिस वाटर रिसोर्स को मैनेज करना है, अनटिल अनलेस वी नो दैट रिसोर्स वी कैन नॉट मैनेज इट प्रॉपरली, जब तक हम उसे ठीक से जानेंगे और पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाएंगे। नेशनल जल मिशन ने जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना को तैयार करने के साथ ही जिलों के जल निकायों को की भी सूची तैयार करने के दिशा निर्देश बना करके सारे जिलाधिकारियों को आप सभी को भेजा है। हमें सारी वाटर बॉडीज को और सारे वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करके उनकी मैपिंग करके और राजस्व रिकॉर्ड के साथ में हम उसे मैप करें, मैच करें कि आज उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है और किस तरह से उनको वापस ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर किया जा सकता है, कहां तक किया जा सकता है। ये धरातल पर निर्णय निश्चित रूप से आपके विवेक और आपके कमिटमेंट पर निर्भर करेगा, लेकिन कम से कम हम उनको आइडेंटिफाई करें कि कितने रेवेन्यू रिकॉर्ड और फिजिकली जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे पास में स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उन दोनों को मैप करने पर कितना गैप नजर आता है और हम इसको कैसे वापस रिस्टोर करने पे काम कर सकते हैं। इसकी एक व्यापक कार्य योजना बना करके आप सबको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं उसमें ग्राम स्तर तक की जानकारी को एकत्रित करने के लिए एक पोर्टल
विकसित किया गया है जिसका उपयोग सारे ऐसे वाटर बॉडीज और वाटर स्ट्रक्चर्स को लिस्टिंग करके उसकी एक रिपोजिटरी जो है केंद्रीय स्तर पर बने, ताकि हम देश भर में हमारे जितने भी जल संग्रह के स्थान है उन सबको एक साथ देख सकें, उनकी मैपिंग कर सकें, आने वाले समय में उनको और अधिक विकसित संवर्धित करने के लिए योजनाओं का निर्माण कर सकें। इस दृष्टिकोण से उस पोर्टल के ऐप का को विकसित किया गया है। मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि उसमें जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स जो हैं वो इकट्ठे करके उनके जियो कोऑर्डिनेट्स की जानकारी के साथ में और वर्तमान में उस जल निकाय की स्थिति क्या है और कितना इंप्रूवमेंट की उसमें गुंजाइश है, उस सब की जानकारी इसमें दर्ज करेंगे तो जमीनी सच्चाई का आकलन करते हुए हम सब लोग पूरे देश की वर्तमान स्थिति के साथ में अपडेटेड रह सकेंगे। अभियान चलाए जाने का सुखद और महत्वपूर्ण परिणाम निश्चित रूप से यह होगा कि एक चेतना का विकास हम सबको हम सबके इस काम के माध्यम से समाज में होगा, और समाज में हम सब ने अनुभव किया होगा कि अभी जल को लेकर के जब बार बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, सभी राज्यों के पॉलिटिकल लीडर्स ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स ने जब से इसके ऊपर बात करना प्रारंभ किया है और जल की कमी को जब समाज ने महसूस करना प्रारंभ किया, इन दोनों के चलते हुए समाज में इसको लेकर के निश्चित रूप से एक चेतना व्याप्त हुई है। मैं ये मानता हूं कि ये ऐसा अवसर है कि इस अवसर पर यदि हम प्रोएक्टिव होकर के सब लोग काम करें तो निश्चित ही इस चेतना के माध्यम से, इस जागृत चेतना के माध्यम से हम जल के संकट का स्थायी समाधान हमेशा हमेशा के लिए कर सकने में कामयाब हो सकते हैं। मित्रों, जहां पानी बरसे और जब भी बरसे उसका हम संचय करें, वेयर इट कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स, जहां भी बरसेगा और जब भी बरसेगा हम उसका संचय करेंगे तो निश्चित रूप से एक तरफ तो पानी का पानी हमें फ्यूचर के उपयोग के लिए हमारे पास में पानी होगा, दूसरा बहाव की गति को कम करने के कारण से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और तीसरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में तेज बहाव के कारण से जो दूसरी चुनौतियां जनित होती हैं, जो कटाव होता है, जो भूस्खलन होता है, उस पर भी लगाम लगाने में हम कई हद तक सफल हो सकते हैं। कैपेसिटी और अवेयरनेस बिल्डिंग भी इस अभियान का एक अभिन्न अंग है, और जैसा मैंने कहा कि कैपेसिटी और अवेयरनेस बिल्डिंग इन दोनों को करके ही हम इसे एक सार्थक जन आंदोलन के रूप में खड़ा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ में जुड़े, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हमने नेशनल वाटर मिशन के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ के का जो एक वर्टिकल जो देश भर में काम करता है, नेहरू युवा केंद्र, उनके साथ में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, एक एमओयू साइन किया है, जिसके माध्यम से हमको पिछले समय में 2,27,00,000 से ज्यादा लोगों को इस अभियान के साथ में जोड़ने में सफलता मिली है। जल शक्ति मंत्रालय ने हमारी जो दूसरी लाइन मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ में भी इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर के हमने इसे शहरी क्षेत्र में भी लागू हो सके इस दृष्टिकोण से 8 जून को एक बैठक आयोजित की थी, और उसके बाद में शहरी क्षेत्र में और सब राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों के निकायों ने, स्थानीय निकायों ने भी इसमें सक्रियता के साथ में काम करना प्रारंभ किया है। हम सब लोग धरातल पर काम करने वाली और ऐसी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने वाली नोडल अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आप सबने के पास में ऐसे अनेक उदाहरण होंगे, आप सबने अनेक बार आपसी बातचीत में अपने बैचमेट्स के साथ में बातचीत करते हुए भी ऐसी इंफॉर्मेशन को आप सबने शेयर किया होगा, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के वर्टिकल्स पर, जहां एक जिलाधिकारी ने इनिशिएटिव लेकर के इस तरह की एक्टिविटीज को पुश किया, उसको सपोर्ट किया, उसमें सक्रियता के साथ में भागीदारी लिखी, उसका आशातीत परिणाम आए, उस क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण आप सब ने देखे होंगे, सुने होंगे। मैं आप सब जिलाधिकारियों से इस अभियान में शामिल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए
समयबद्ध तरीके से हम उनका कार्यान्वयन करें और इसे एक पीपल्स मूवमेंट के रूप में खड़ा करें, उसके लिए जो नेहरू युवा केंद्र के साथ में हमारा मेमोरेंडम है ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनको साथ जोड़ करके उनके उनके माध्यम से एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करें। जो गंभीर मिनिस्ट्री मेरे मंत्रालय के डिफरेंट वर्टिकल्स हैं और स्टेट की भी लाइन मिनिस्ट्रीज के जो वर्टिकल्स हैं, उन लोगों को इसमें किस तरह से नियोजित किया जा सकता है, उनकी टीम्स को किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। जो गंगा के किनारे पर जितने भी जिले हैं उनमें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स गंगा से जुड़े हुए एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए गए हैं। गंगा मित्र परिषद बनी हुई है, गंगा से जुड़े हुए डिफरेंट वर्टिकल्स बने हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी इस अभियान के साथ में जोड़ा जा सकता है और इसका बेहतर और प्रभावी रूप से प्रबंधन इसका किया जा सकता है। इस सब के साथ साथ में हर एक जिले को नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस मैपिंग तकनीकी से प्राप्त रिमोट सेंसिंग इमेजेस के माध्यम से जल संरक्षण की पूरी एक जिला भर की एक पूरे जिले की वृहद व्यापक योजना बनाने का आग्रह भी हमने सब जिलाधिकारियों से किया है। इसके साथ साथ में हम जल शक्ति अभियान का एक केंद्र जो है अपने ऑफिस में इस तरह का स्थापित कर सकते हैं, जिस जो एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर की तरह काम करे और जिले में ये जो बज क्रिएट हो उसके कारण से जो क्यूरियोसिटी लोगों में मिलती है उस क्यूरियोसिटी को हम साइंटिफिक बैकिंग उनको प्रदान करते हुए, टेक्निकल नो हाउ उनको प्रदान करते हुए हम जो है उसके माध्यम से लोगों को बेटर रिजल्ट्स के मिले, उस दृष्टिकोण से हम गाइड भी उसके नॉलेज केआरसी के माध्यम से, नॉलेज रिसर्च सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। आप सबने से हमने आग्रह किया था कि सभी जिले अपने एक जो है बैंक अकाउंट की डिटेल हमारे साथ शेयर करें, तो हमने एक इसको लेकर के एक टोकन धनराशि देने का भी आप सबसे इसमें स्कीम में अब की बार प्लान किया है, इस अभियान के साथ में जोड़ा है ताकि राज्य इससे जुड़ी हुई गतिविधियों को भी हर एक जिले में जिलाधिकारी संचालित कर सकें और ज्यादा इफेक्टिव रूप से कर सकें। हर जिले को ऐसे केआरसीज बनाने के लिए और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज को संचालित करने के लिए 2 लाख रुपए हम हमारे इस कार्यक्रम इस अभियान की सफलता के लिए दें, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने नहीं दिए हैं वो अपने बैंक अकाउंट को तुरंत हमारे साथ में इसे शेयर करेंगे। जिस पोर्टल की मैंने अभी बात की, एमआईएस पोर्टल की अभी आपके सामने चर्चा की है कि इसको हम एक नेशनल रिपोजिटरी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं जो स्टेट के लिए भी उपयोगी होगी, जिले के लिए भी उपयोगी होगी, बाद में हम सारे जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स और डिस्ट्रिक्ट वाटर रिचार्ज प्लान जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्लान्स को उसके साथ में कोऑर्डिनेट उसके साथ में पैचअप कर देंगे, तो हम जितनी भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती हैं उसको हम एमआईएस पोर्टल पर शेयर करें और उसको नियमित रूप से अपडेट करते रहें, इसकी जिम्मेदारी भी मैं आप सब जिलाधिकारियों को देना चाहता हूं। पानी की उपलब्धता को लेकर के, पानी हमारे जीवन में के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस विषय को लेकर के हमने अनेक मौकों पर बातचीत की है, हमने अपने पढ़ाई के समय भी इन विषयों पर बातचीत की होगी, धरातल पर काम करते हुए भी आपने इस विषय को अनुभव किया होगा। मैं तो क्योंकि देश के उस क्षेत्र से आता हूं जहां सबसे कम बरसात होती है और जहां पानी की उपलब्धता सबसे कम है, इसलिए मैं जानता हूं कि मानता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के जिनको ने जितना दर्द और तकलीफ महसूस किया है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से उससे कहीं ज्यादा इस दर्द और तकलीफ को देखा है। इसलिए पानी की कीमत, पानी के न होने के कारण से, पानी की किल्लत से होने वाले संकट, इसको मैंने बहुत गहराई से अनुभव भी किया है, देखा भी है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और सतपाल महाराज ये तो नदी के किनारे जन्मे हुए लोग हैं, इन्होंने शायद पानी की किल्लत को महसूस नहीं किया, इन्होंने देखा नहीं होगा। आप लोग जिन जिलों में काम करते हैं हो सकता है शायद बहुत सारे जिले ऐसे होंगे जहां इस तरह का संकट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि ये चुनौती जो आज हमारे क्षेत्र में है या देश के अन्य क्षेत्रों में जहां सूखा है वहां है, वो चुनौती आने वाले समय में हमारे दूसरे ऐसे क्षेत्रों में भी न बने, इसके लिए आज से ही हमको प्रोएक्टिव मैनर में काम करने की आवश्यकता है। पहले से ही हम जो है उसको रोकथाम के लिए उपाय करें, उस पर काम करें, हम जल को संरक्षित करें, संचय करें और इसे एक जल आंदोलन के रूप में खड़ा करें, यह आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि जो कोशिश करते हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हैं और सफलता के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ाना ही होता है। ये पहला कदम इस अभियान के माध्यम से हम लोग सब बढ़ाएं
और इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित करके आने वाले समय में देश को जल समृद्ध बनाने के लिए हम सब लोग काम करें। और आप सब लोग इस विषय की महत्ता को समझते हुए, मैं मानता हूं कि एक जिलाधिकारी होने के नाते आप लोगों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। शायद एक कलेक्टर के पास कितनी कमिटीज को चेयर करना होता है, उसको कितनी कमिटीज को हेड करना होता है, कितनी सारी जो है बॉडीज का चेयरमैन वो खुद होता है। अगर वो लिस्ट न पढ़े तो शायद उसको खुद को भी जानकारी नहीं होती कि एक जिलाधिकारी को कितनी कमिटीज चेयर करनी होती हैं। लेकिन फिर भी इस विषय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए और वर्तमान में इस विषय की प्रासंगिकता और उपादेयता को समझते हुए, और अभी इन 4-5 महीने में हम आने वाले समय के लिए, आने वाले साल भर के लिए अपने क्षेत्र के में जल के जल भंडारों को और अधिक समृद्ध कैसे कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से, इस विषय की महत्ता को समझते हुए आप सब लोग अपने परिश्रम का कुछ हिस्सा और अपने एनर्जी का कुछ हिस्सा इसमें लगाएंगे और एज ए लीडर काम करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित ही उसके बहुत उत्साहजनक परिणाम आएंगे। और आज हमको ये सब जो काम मैं आपको जो मैंने अभी आप सबसे आग्रह किया है, ये काम आज अगर हम करते हैं तो हम कन्विक्शन के साथ में कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने कन्विक्शन के साथ में आज इन सब कामों को नहीं किया तो आप ही की कुर्सी पर बैठने वाले बहुत सारे लोगों को शायद 1 या 2 दशक के बाद में, या आपके और मेरी जैसी कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को कंपल्शन के आधार पर यह काम करना पड़ेगा। तो आने वाली पीढ़ी को कंपल्शन न हो, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम कमिटमेंट के साथ में, कन्विक्शन के साथ में इस काम को करें। आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में, ऐसी अपेक्षा के साथ में आप सब लोग आए, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने इस अपने वक्तव्य में वाटर कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया और प्रधानमंत्री जो उद्देश्य से एक कैंपेन शुरू किया था उसके बारे में चर्चा की, और इस जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के पूरे पहलुओं में 5-6 में इंपॉर्टेंट पहलू है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत धन्यवाद सर, और आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सबको इंस्पायर करने की कोशिश की। थैंक यू मंत्री जी। मैं अब आग्रह करूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अपना वक्तव्य। नमस्कार, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के हमारे जल शक्ति मंत्री, जिनको देख करके प्रेरणा मिलती है, जिनके एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र के स्वरूप होते हैं, और मुझको लगता है कि जीवन में व्यक्ति की कथनी और करनी में जब एक रूपता दिखती है तो वह व्यक्ति उन सभी कामों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसके मन में संकल्प आते हैं। मैं जब कभी भी आदरणीय भारत सरकार के मंत्री जी से बातचीत करता हूं, इनके मन की भावना, इनका चिंतन, इनकी विचार, इनके हर शब्द हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं। और जिस तरीके से कैच द रेन के सिवा अन्य जितने भी काम आपके पास हैं उनमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, और आज के आपके जो विचार हम सब लोगों को सुनने को मिले हैं, और इसके पहले भी आपने जब हमको प्रेरणा दी थी और जिसके आधार पर हम सब लोग काम करते रहे, उसके कारण से उत्तर प्रदेश ने एक नए आयाम स्थापित करने में कामयाबी हासिल किया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड के आदरणीय मंत्री जी महाराज सतपाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे सभी भारत सरकार के अधिकारीगण, हमारे प्रमुख सचिव अनुराग जी और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, और हमारे सभी सम्मानित जिलाधिकारीगण आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय गजेंद्र जी भाई साहब का जब निर्देश प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 कदम आगे बढ़कर के इसमें काम किया। जब अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में उसका शुभारंभ किया, और उस समय उत्तर प्रदेश में अटल भूजल योजना के तहत हमारे 10 जिले 6 बुंदेलखंड के और 4 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उसमें सम्मिलित किए गए, 550 ग्राम पंचायतों और 26 ब्लॉकों को लेकर के काम करने का निर्देश दिया गया, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया आयाम स्थापित करते हुए एक घोषणा की कि अटल भूजल योजना केवल 10 जिले में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होगा, क्योंकि जल का संचयन करना बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने भूजल
जल संचयन विनियमन भी एक अधिनियम 2020 बनाया, जिसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी स्कूल कॉलेज है उस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया। इसी के साथ साथ सभी सरकारी बिल्डिंगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और इसी के साथ अब कोई भी नया भवन अगर बनता है उसका नक्शा पास करना है तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। हमारे सभी जिलाधिकारी जुड़े हैं और बहुत अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों ने अच्छा काम किया है, जिसके कारण से पूरे दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो रही है। निश्चित रूप से हम लोगों ने भी संवाद किया था, सबको पत्र भी लिखा है। कैच द रेन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसके लिए भी हमारे विभाग ने, प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा, उस पर भी हम लोग काम करते हुए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। पांच नदियों का जो जीर्णोद्धार हम लोगों ने किया था, जिसके लिए भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत किया, 15 बड़ी नदियों का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। अभी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मंत्री जी, भारत सरकार ने हमारे चित्रकूट में वृक्षारोपण किया, महोबा में वृक्षारोपण किया, बांदा में वृक्षारोपण किया, कुशीनगर में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बुंदेलखंड के क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विभिन्न 15,000 तालाब, हम लोग जब हम मैं ग्राम विकास मंत्री था तो 15,000 तालाबों का जीर्णोद्धार हम लोगों ने कराया, और जब लघु सिंचाई विभाग में हम लोग आए तो लघु सिंचाई विभाग में हमारे जितने भी हम लोगों ने चेक डैम बनाए थे उसमें सब ने सीसीटीवी कैमरे लगा करके उन चेक डैमों की रखवाली करना, उनका जीर्णोद्धार कराना, जहां पर सिल्ट थी उसकी सफाई करना, अधिक से अधिक पानी भर सके, किसानों को जहां सिंचाई हो वहीं पर हम अपने रिचार्जिंग को भी अच्छे ढंग से कर सके, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने किया है। और जितने भी तालाब बना रहे उसके प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ हम लोग अच्छे वृक्षारोपण, पीपल, पाकड़, बरगद, महुआ, आम, जामुन, ऐसे वृक्षों को भी लगा रहे हैं। तो हम तालाब के सौंदर्य को भी बढ़ा रहे हैं, जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं और जल संचयन के माध्यमों को भी बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। तो हम उसके लिए भी एक बृहद स्तर का अभियान चला गया है। मैं आदरणीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि जब हम लोग 2013 में बात करते हैं तो 117 ब्लॉक हमारे डार्क जोन में चले गए थे, धीरे धीरे करके उसमें कमी आई है। अब हम लोग इस समय 82 पर हैं। हमारा उनको हम लोगों ने सेफ ब्लॉक में पहुंचाने की कोशिश किया है, क्रिटिकल उनको भी कम किया है, सेमी क्रिटिकल की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन डार्क जोन को हम लोगों ने कम करने में कामयाबी हासिल की है, क्रिटिकल को भी कम किया है, और हम धीरे धीरे करके जो सेमी क्रिटिकल है उनकी संख्या न बढ़ने पाए इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जितने प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का बहुत सस्ते में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जितने हमारे बेसिक विद्यालय हैं, प्राइमरी हैं, उनमें सब भी काम तेजी के साथ चल रहा है। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज जो है उनके प्रबंधकों से बातचीत चल रही है और बहुत सारे जगहों पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से भी हम रेन वाटर में एक अच्छा काम कर पाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से जो कैच द रेन है, वाटर रिचार्जिंग है, उस पर अच्छा काम करने की कोशिश हम करेंगे। आपकी प्रेरणा प्राप्त हुई, अभी मैंने जैसा कि आपने कहा कि जितने रिजर्व वायर हैं हम सबका जियो टैग करा लें, हम राजस्व भूलेखों से उनको मिला लें, हम ये देखें कि आजादी के समय हमारे जितने रिजर्व वायर्स थे उसमें से कितने कम हो गए, कितने हैं और जो है उनकी स्थिति क्या है। तो भारत सरकार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन अलग से भी हम उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर तेजी के साथ हम लोग काम करेंगे, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के जिलेवार, ब्लॉकवार और ब्लॉक में फिर पंचायत, उन सब पंचायतों के माध्यम से हमारे कितने तालाब थे, कितने बचे, कौन से तालाब पे खत्म हो गया, क्या स्थिति है, उनका सबका हम जल्दी से जल्दी हम भी अभिलेख तैयार करने की कोशिश करेंगे और उन सब माध्यमों से हम उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो भूजल विनियमन अधिनियम हम लोगों ने बनाया उसको लेकर के, कैच द रेन को लेकर के, अटल भूजल योजना को लेकर के, ISA का हम लोगों ने गठन कर दिया है, सभी जगहों पर उनका काम शुरू हो गया है। अभी भूजल सप्ताह जो मनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग 16 तारीख से 22 तारीख तक, उसकी बृहद तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है। आदरणीय मंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा, आपसे भी मैं प्रार्थना करूंगा, उसमें मैं निश्चित रूप से एक सत्र आपका जरूर चाहूंगा, अगर आपके द्वारा उद्घाटन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। समापन हम बृहद स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को उसको करेंगे। एक जैसा कि आपने कहा कि इसको जन अभियान बनाना चाहिए, उस जन अभियान की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पंचायत से लेकर के और प्रदेश तक हम इसको कैसे जोड़ सके, इसमें तारतम्यता कैसे स्थापित कर सके,
और बरसते हुए पानी को, जैसा कि आपने पहले कहा था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और घर का पानी छत का पानी जमीन के नीचे हम कैसे पहुंचा सके, इन सभी दृष्टियों से हम लोग उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेदिक कालीन से लेकर के आज तक जल की महत्ता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ऋषियों मुनियों और महर्षियों ने सबने इसको बताया है, और वास्तव में एक एक बूंद जल हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। आदरणीय मंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया, जो प्रेरणा दिया है, जो इनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ, उस पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम सब लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे डार्क जोन में हमारे ब्लॉक चले गए हैं, 82 ब्लॉक है, उनको हम जल्दी से जल्दी सेफ जोन में कैसे ले आ पाए उसकी कोशिश करेंगे। 47 हमारे क्रिटिकल है और 151 हमारे सेमी क्रिटिकल है। तो हमारे जो 47 क्रिटिकल है और 82 हमारे जो डार्क जोन ब्लॉक है, उनमें हम वृहद स्तर पर अभियान चला करके उसको हम सेफ जोन में लाएंगे। बहुत सारे एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका संवाद भी पिछली बार हुआ था बांदा से, महोबा से, बुंदेलखंड के लोगों से, ऐसी पानी समितियां भी बहुत सारे स्थानों पर काम कर रही। हम सब लोग उनको भी प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के इस जन आंदोलन बनाएंगे। आपका जो संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसको जरूर हम लोग पूरा करेंगे। और पूरा उत्तर प्रदेश, हमारे सभी जिलाधिकारीगण लग करके, हमारे विभाग के अधिकारीगण लग करके, हम सब लोग मिलकर के इस काम को जरूर पूरा करेंगे। एक बार पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अमूल्य प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब लोगों को दिया है। इसके माध्यम से हम लोग अपने काम को करने में हमको और आसानी होगी, और निश्चित रूप से आपने जो अपेक्षा की है उस पर हम लोग खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद सर। आपने यूपी सर गवर्नमेंट के तरफ से जो काम हो रहा है उसके बारे में बताया, बहुत बढ़िया सर। जो केंद्र सरकार के टारगेट से बढ़ के आप अपने राष्ट्र के लिए पानी के संग्रह के लिए काम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर। और आपके नेतृत्व में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हमारे वीकली प्रोग्राम्स में आया करते थे, और उनके द्वारा किए गए वाटर कंजर्वेशन काम के बारे में भी हमको प्रेजेंटेशन दिया हुआ है सर। धन्यवाद सर। नाउ मैं रिक्वेस्ट सतपाल महाराज जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इरिगेशन उत्तराखंड, टू गिव हिज एड्रेस। माननीय मंत्री महोदय प्रसन्न है क्या? कनेक्टेड भाई, मुझे दिख नहीं रहे। उनकी शायद कैबिनेट शुरू हो गई है, इसलिए वो अब बिजी हो गए हैं, बट आप इसको आगे चलाइए। तो वी वेट फॉर द मिनिस्टर टू कम सर। नाउ आई विल टेक 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन फॉर माई सेल्फ। कैन यू सर, मे आई रिक्वेस्ट द अटेंशन ऑफ ऑल द कलेक्टर्स एंड द ऑफिशियल्स ऑन टू दिस प्रोग्राम। प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम 22 मार्च को, जैसे मंत्री जी ने बताया, शुरू किया था, जहां पे ऑल दी सरपंच, देश के 2.5 लाख सरपंचों को उन्होंने डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एड्रेस किया गया था, और एक वीडियो भी उस दिन रिलीज किया था। और देश के 5 सरपंचों जो डिफरेंट स्टेट से थे, उसी के उनके उनसे भी इंटरेक्ट किया था उस दिन। साथ ही साथ उसी दिन हर ग्राम सभा में, एक ग्राम पंचायत में एक स्पेशल ग्राम सभा भी किया गया था, जब जहां पे वाटर के थीम पे डिस्कशन हुआ था और एक जल शपथ किया गया था। प्रॉब्ली दुनिया में सबसे बड़ा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन का लॉन्च उस दिन हुआ होगा, क्योंकि तकरीबन 2.5 लाख ग्राम सभा उस दिन हुआ था और काफी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। एंड पीएम ने खुद अपने एक लेटर सरपंचस को भी लिखा भी था, जैसे मंत्री जी ने कहा, इस कॉपी ऑफ द लेटर। ये पहले प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात 22 फरवरी के मन की बात में भी इसका जिक्र किया था, और आदेश दिया था कि जल शक्ति मंत्रालय विल लॉन्च ए कैंपेन कैच द रेन विद द मंत्रा कैच द रेन वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स, जहां बरसे जब भी बरसे पानी को वहां संग्रह कर। सर तो दिस इज अ कैंपेन ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द 2019 कैंपेन सर। वहां पे 138 ब्लॉक्स थे पहले उत्तर प्रदेश में, 25 डिस्ट्रिक्ट उस दिन उस समय किया गया था, जैसे मंत्री जी ने बताया। अब आपने स्टेट के सरकार उसको बढ़ा के पूरे स्टेट में
स्टेट के सब जिलों को इंक्लूड किया था, और उत्तराखंड में नैनीताल जिला थे और उसी के 8 ब्लॉक्स को इंक्लूड किया था। उस समय टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल नोडल ऑफिसर और ब्लॉक नोडल ऑफिसर्स यहाँ से आके विजिट किया था। और इस जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम में, जैसे मंत्री जी ने बताया, वी आर इंक्लूडिंग ऑल ब्लॉक्स, ऑल अर्बन एरियाज, ऑल रूरल एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो इससे बड़ा बड़ा कैंपेन बनाया है। इट इज फ्रॉम 22nd मार्च टू 30th नवंबर, जब तक बारिश चलते रहते हैं। सो बेसिकली दिस इज द आइडिया ऑफ द कैंपेन, टू नज स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स सुटेबल टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, बिकॉज आबोहवा के हिसाब से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का डिजाइन अलग अलग होते हैं, और सॉइल कंडीशन के वजह इस हिसाब से उसका डिजाइन अलग होते हैं। सो अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनवाना है विथ पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून, एंड विच द थीम कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट इज हार्वेस्टिंग मैक्सिमम रेन वाटर एंड सेविंग इट, दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ इट। मैक्सिमम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके संग्रह करना है, और सेकेंड इज इन्यूमरेटिंग एंड जियो टैगिंग एंड मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ ऑल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। देश के हर जिले में सदियों से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के रखा है, उसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं है, बिकॉज सम स्टेट्स हैव फुल डिटेल, सम स्टेट्स डू नॉट हैव डिटेल। इसलिए हमने सोचा कि इस बार we will have a inventory of all the rain water harvesting structures and geotag them, and using that scientific plan for water harvesting structures ke liye ek scientific plan taiyar karna hai, kyunki dekha jata hai ki kai jagah pe paas paas rain water harvesting structures banate hain, jiske wajah se the second jo downstream structures ke andar pani stored nahi hota hai kyunki usme pani nahi aata hai, isliye रिक्वायर अ साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। इसके लिए इस कैंपेन में वी आर प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो, एंड एज मंत्री जी ने बताया वी वुड लाइक टू हैव जल शक्ति केंद्र इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड जनरेशन ऑफ अवेयरनेस एंड इंश्योरिंग पीपल पार्टिसिपेट। दिस आर द फाइव मेजर पहलू ऑफ द कैच द रेन कैंपेन, एंड देन प्लांटेशन ऑफ ट्रीज विल कम, बिकॉज वंस द रेन कम्स इन देन विल गो फॉर दी प्लांटेशन, उसी का भी काम चल रहा है। तो वी हैड मीटिंग्स विद दी चीफ सेक्रेटरीज एंड ऑल्सो विद रूरल एरिया सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एज ऑल्सो विद दी ऑलमोस्ट ऑल दी म्युनिसिपल कमिश्नर्स ऑफ द सिटीज विद मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन, उनका भी एक मीटिंग हुआ था, एंड नाउ अर्बन एरिया ऑल्सो हैज कम इन टू द फोल्ड एंड देयर लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग देयर ऑल्सो। ए पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड, this is the portal, kindly note that jsactr, that jal shakti abhiyan catch the rain .mowr, ministry of water resources .gov.in, this is the portal, remember karne ke liye aasan hai, jsactr.mowr.gov.in, is then all the details are available, and also the water bodies of the district jiske jankari hamare paas hai wo bhi humne usme rakha hua hai, taki aap usko ground truth karke verify kare, और जिस अगर कोई मिसिंग है उसको ऐड कर सके। एंड वी आर टू मेक द लाइफ इजी फॉर द डीएम्स, वी आर एक्चुअली पॉपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री डेटाबेस, बिकॉज ज्यादातर काम मनरेगा से होता है, तकरीबन 25,000 करोड़ का काम अभी हो चुका है, तो ये डिटेल्स हम आपके लिए अपने डेटाबेस में पॉपुलेट करके देते हैं, सो दैट आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने तरह से स्टेट के फंड के तरह से और डिस्ट्रिक्ट लेवल में लोकल फंड से जो भी आते हैं, दैट कैन बी एडेड ऑन टू दिस वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टर्स को मैं हमारा रिक्वेस्ट है कि आप स्टेट लेवल में जो लोकल फंड से करते हैं, सीएसआर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से करते हैं या कोई सीएसआर से करते हैं, उस वर्क को भी एड करने के लिए प्रावधान दिया गया है, एंड दैट हैज टू बी डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द पोर्टल। एंड वी ऑल्सो हैज सेड दैट इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस अप टू विलेज लेवल, विलेज लेवल तक पूरा डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड एज आई सेड वी विल पॉपुलेट द डेटाबेसेस एंड गिव इट टू यू, एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज डू द ग्राउंड ट्रूथिंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर द साइंटिफिक एक्शन प्लान फॉर दैट। दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द पोर्टल, एंड दिस इज अनदर स्क्रीनशॉट ऑफ द वाटर बॉडी जीआईएस मैपिंग। उस मैपिंग में दैट रेड स्पॉट्स आर द वेरियस वाटर बॉडीज, एंड इफ यू गो टू दैट ईच ऑफ द स्पॉट्स, उसमें पूरा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होता है, उसका फोटोग्राफ्स होता है,
एंड उसका स्टेट हेल्थ स्टेट ऑफ अफेयर्स भी होता है, क्योंकि अगर रिपेयर करना है उसके बारे में भी जितनी जानकारी हमारे पास है वो डाला हुआ है. तो इफ यू वॉन्ट यू कैन डू द वेरिफिकेशन एंड अपडेट इट एंड करेक्ट इट. सो द सेकेंड वन इज एज मिनिस्टर सेड इज अबाउट द अवेयरनेस जनरेशन. नेहरू युवा केंद्र इज डूइंग दैट. वी हैव गिवन मनी टू ऑल्सो टू द जल नेहरू युवा केंद्र. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द कलेक्टर्स इज दैट दे शुड कॉल द मीटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स and see that the awareness campaign is taken up in a big way. Now the next phase is starting from October, August 1st se shuru kar rahe, so that also has to be taken up. So this is the report. 2.27 crore people have been attached to in the campaign by this Nehru Yuva Kendra people. So these are some of the IEC materials available. And and the request to DMs, this is where I request the attention of all the DMs. Ek to rainwater harvesting structure ko catch karna hai, maximum rainwater. When it falls, where it falls, this आप सब जानते हैं, इसके ग्राउंड टेबल बढ़ जाता है, सॉइल मॉइस्चर बन जाता है एंड समर में वाटर अवेलेबिलिटी बन जाते हैं, ताकि यू डोंट हैव फॉल फॉर फॉर टैंकर्स. तो हम एक टैंकर मुक्त समर का इंतजार कर सकते हैं. एंड दिस ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट फॉर द जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, तो जल जीवन मिशन के जो वाटर सोर्स के लिए, इसका सोर्स सस्टेनेंस के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैचिंग द रेन. सेकंड, इट ऑल्सो देर आर अदर एडिशनल बेनिफिट्स. इट रिड्यूसेस द पावर फॉर मोटर. अगर वाटर टेबल ऊपर हो जाएंगे तो पावर कंजम्पशन कम हो जाएंगे, पावर ऑफ मोटर विल बी मच रिड्यूस, टैंकर्स इन समर विल बी रिड्यूस. इट ऑल्सो मिटिगेट्स फ्लड्स. इन अर्बन फ्लड्स आजकल देखते हैं कि बहुत सारे एरिया में अर्बन फ्लड्स चल रहे हैं, दैट ऑल्सो विल बी मिटिगेटेड इन बिकॉज ऑफ द स्टोरिंग द वाटर एज अ डिसेंट स्टोरेज. And we also learn what maintenance of old. ज्यादातर देखा जाए कि एक बार हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको छोड़ देते थे, पर्टिकुलर इन अर्बन एरिया. रूल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसके बारे में लोग भूल जाते हैं. तो आवर फर्स्ट स्टेप इज दैट वी शुड एंश्योर दैट ओल्ड एक्सिस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर रूल ऑफ एक्सिस्टिंग आर मेंटेन. ये सोशल ऑडिट कराना है कलेक्टर्स को, एनजीओ या किसी एजेंसीज को लगा कर दे कैन चेकअप whether the existing rooftop, the rainwater harvesting structures existing are in good shape, particularly rooftop rainwater harvesting structures. Yeah, temple ponds or traditional water bodies like step wells, Rajasthan mein tanka hai, aise aise traditional rainwater harvesting structures ka bhi protection karna hai, usko save karna hai. Geotag, enumerate and geotag the water bodies, and then channels which bring water to the these water bodies. Many of them have encroached, so you should see that it is encroachments are removed and there's a free flow of water. You have to deepen and increase the water body to increase the capacity. काफी जगह पे ये silting आके उसका capacity बहुत कम हो गया है. So you should ensure that desilting can be taken up. This can be done under MGNREGA and rejuvenation of rivulets. बहुत छोटे-छोटे नाला है जो अभी encroachment के या silting के वजह से भरा पड़ा है, उसको आपको revive करके we ensure that the small rivulets are rejuvenated, which will actually flow to the bigger rivers and ensure that can ensure the Adiral Thara and the rivers. And the second important thing is, again as I said, preparing the scientific plans. So we are requesting you to prepare scientific plans with using GIS data, and we want the different databases are available. States may available, NIS may available, National Water Information System ke available. So we would like to have one database for all the water bodies, so that a reliable, confirmed database is available. This will be explained by Sriram Vedreji later after this, how to make it. Now I am told that the Ministry of our Rural Development is also trying to make up a GIS portal. So we will use all these things so that there will be no duplicity, but there will be a one effective water database for all the water bodies in the country, so that we can do a proper planning on it. The third important step is setting up of Jal Shakti Kendras. Jaise Mantri ji ne bataya, water is divided in various silos. Irrigation department kai jagah pe kuch pani ke bare mein sochte hai, kuch major minor irrigation wo department sochte hai. वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कई कुछ एरिया वो देखते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अर्बन एरिया के पानी के बारे में सोचते हैं, रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम पेयजल के बारे में वही सोचते हैं, म्यूनसिपैलिटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, सब वाटर के डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं के बारे में सोचते हैं, बट देर इज नो सिंगल फोकस कमांड ऑन वाटर. इसीलिए एंड टेक्निकल नॉलेज ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स,
सब लोग बोलते हैं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेस करेंगे, बट उनको उसके तकनीकी जानकारी नहीं है. तो इसीलिए वी वॉन्ट टू सेट अप दिस जल शक्ति केंद्र. दिस ए नया एक एक प्रपोजल है, एक नया इनिशिएटिव है, जहां पे वी वॉन्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एक एक जल शक्ति केंद्र हो जाए. दिस विल बी अ नॉलेज सेंटर विथ ऑल वाटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. जिले में कितनी बारिश होती है, वॉट आर द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अवेलेबल, वेर आर द वॉटर सोर्सेज अवेलेबल, ये सब की जानकारी उसके पास रहेंगे. एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंफॉर्मेशन ऑफ of crop diversion, which crops which reduce the crops, reduce the usage of water, how to save water for irrigation by drip irrigation, ये सब की जानकारी भी दे देंगे. Because अभी क्या है कि ये agriculture department दे रहे, but a person may not get information of all information related to water from one source. इसलिए in this Jal Shakti Kendra, all information related to water for industrial use, how to reuse and retreat the water, how to conserve water in crops, how to make the rainwater harvesting structure, ये सब जानकारी इस जल शक्ति केंद्र में मिल जाएंगे. But the funding will all be handled by the concerned department. उससे कोई problem नहीं है. Irrigation department will continue to handle the irrigation funds, micro irrigation, the rural development will continue to do the water conservation work. खाली information knowledge center के रूप में और collector को एक one single source इन्फॉर्मेशन सेंटर के रूप में ये काम करेंगे जल शक्ति केंद्र. दिस इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट, तो वी शुड सी दैट इट इज ऑल इंप्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट. एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल द डीएम्स इज वी हैव बीन सेंडिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स. आप लोग बिजी थे कोविड के वैक्सीनेशन के चक्कर में, बट नाउ एटलीस्ट सी दैट द ईमेल्स केम फ्रॉम jsactr-nwm.gov.in ऑन 14. मैंने कल ही भेजा था, आज ही भेजा था, ताकि आप लोग आपने वेबसाइट ईमेल चेक करें. आज हमने जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने पहले भेजा था, सब दोबारा आपको भेजा है. प्लीज आई हैव लुक एट इट. उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस हुआ है. एंड वी आर रिक्वेस्टेड यू टू सेंड दी बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर सेंडिंग टू 1 to 2 lakh रुपीज हम देने वाला है. तो ऑलमोस्ट 50-60 जिले से आया है, बाकी जिलों से आना है. तो प्लीज एंश्योर दैट दिस इज टेकन अप. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू अपॉइंट ऑल द कलेक्टर्स टू अपॉइंट वन नोडल ऑफिसर ईच डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज आप मेनी टाइम यू विल बिजी, बट यू शुड हैव अ सेकंड इन कमांड हु कैन हैंडल और वी कैन टॉक टू देम इन द डिस्ट्रिक्ट. तो वन नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करके हमें उसकी जानकारी हमको दे दीजिए. वैसे ब्लॉक और अर्बन एरिया में भी एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू कैन अपॉइंट वन आईटी पर्सन और जीआईएस पर्सन फॉर तो पेमेंट उसने कर लीजिए. दिस इज द पोर्टल फॉर दी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पोर्टल में लॉग इन और पासवर्ड आपको भेजा है, प्लीज सी दैट यू लॉग इन एंड सी द डिटेल्स, बिकॉज आपको अगर इंफॉर्मेशन एड करना है तो यू हैव टू लॉग इन एंड यूज द पासवर्ड टू इट. सिंस वी हैव अ कॉमन पासवर्ड फर्स्ट टाइम, प्लीज सी दैट टूडे सेल्फ यू लॉग इन एंड चेंज द पासवर्ड एंड यूज दैट सिस्टम टू अपडेट द इंफॉर्मेशन. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लॉग इन करके अपने स्टेट और लोकल फंड्स, जैसे मिनरल डिस्ट्रिक्ट फंड और सीएसआर या एनजीओ जो भी फंड से अपना काम करते हैं, उसको भी जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन पोर्टल अवेलेबल है. सो अवर नंबर ऑफ वर्क विल गो अप. सो प्लीज एंश्योर दैट दिस इज टेकन अप इन राइट अर्नेस्ट. And start the process for scientific planning and enumerating water bodies using old revenue records. हमारे सलाह है कि अपने पुराने revenue records को देखे, आप अपने boundaries का rainwater harvesting structures का boundaries बना कर लीजिए. उसको बंद कर दो. थैंक यू, दैट्स ऑल आई वांट टू सेल फ्रॉम माय साइड. नाउ आई रिक्वेस्ट आप उसको प्रेजेंटेशन करें. आई मीन डॉक्टर्स एनी डीएम इफ व्हिच एंड वांट्स टू पिक अ स्टेटमेंट, बिकॉज 4 बजे मेरी काउंसिल है. ठीक है, नाउ अगर कोई डीएम बात करना चाहते तो दे कैन स्पीक, बट श्रीधर बेदरी जी इज देयर फ्रॉम अमेरिका, ही हैज जॉइंड अस फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट. सर कैन वी आस्क श्रीधर बेदरी जी, आप इसे अपने प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा. वो लंबा चलेगा, मेरे 4 बजे का कौन सा, वही इसलिए 10 ही मिनट बचा है, उनको कनेक्ट भी करना करो.
You carry on, Shriram ji. Definitely, sir. I'll do it, sir. Thank you, sir. So, Sabhi ko namaskar. Basically, Honorable Minister. अभी मैं 5-10 मिनट में आपके सामने पूरा ये टेक्निकल चीजें कैसे हम आगे बढ़े आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जो जल शक्ति अभियान कैजरेन कैंपेन है, इसमें महत्वपूर्ण विषय एक है कि और इसके साथ साथ इन्वेंटरी ऑफ वाटर बॉडीज हर डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे हम करें। तो इसमें तो हम हमारा थीम हम जानते हैं कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। तो द टास्क दैट हम जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम चाहते हैं आपके मार्गदर्शन में नेतृत्व में हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन में ये काम जरूर हम करने की कोशिश करें। पहले चीज ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज लेवल का वाटर कंजर्वेशन प्लान बनाए। इसके कैसे करें मैं आगे स्लाइड्स पे आपको दिखाता हूं। और जब वाटर कंजर्वेशन प्लान बनाए उसके बाद हम जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसका रिनोवेशन और रिपेयर करें और उसके बाद हम नया वाटर बॉडीज और नया वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्शन करें। तो ये तीनों विषय एक के बाद एक हम करने की कोशिश करें। तो ये साइंटिफिक जीआईएस बेस्ड वाटर कंजर्वेशन प्लान्स हम कैसे करें, तो इसका जो प्लान हम करना चाहते हैं उसका एक साइंटिफिक बेसिस हम बनाएं। प्रेजेंट जी आपके पास इसके बाद प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंटेशन मी नॉट सीइंग द प्रेजेंटेशन। ओह यू आर नॉट एबल टू सी इट? हां नो सर, मैं शेयर किया था। नहीं हमको दिख रहा है, इधर दिख रहे हैं ना? अदर्स आर सीइंग इट? आई एम एबल टू सी, आई एम एडवाइजर सर। हम जो साइंटिफिक बेसिस पे हम करें इसका सप्लाई और डिमांड साइड का भी हम बैलेंस करें और रिच टू वैल्यू वॉटरशेड अप्रोच करें। सब वॉटरशेड अप्रोच में काम करने वाले आपका अधिकारीगण जानते हैं रिच टू वैल्यू कैसे होता है, ऊपर से रिज से वैली तक हम कैसे एक एक स्ट्रीम को हम सैचुरेट मोड पे लेके आए वो सब जानकारी में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जीआईएस बेस्ड टेक्नोलॉजी हम उपयोग करें और कन्वर्जेंस करें हाल वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स का एक्टिविटीज को और फंड्स को हम कन्वर्ज करें। इस आधार पे हम एक वाटर कंजर्वेशन प्लान साइंटिफिक मोड पे बनाएं, ये हमारा पहला कोशिश होना चाहिए। और ये प्लान बनाते समय हम जो पहला चीज ये करना चाहिए कि ये जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो उनका हम इन्वेंटरी बनाए। वो इन्वेंटरी बनाने के बाद हम उसका रिनोवेशन रिपेयर जो करना चाहते हैं उसका आगे बढ़े। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि हम आइडेंटिफाई जो नया लोकेशन है नया वाटर बॉडीज का और नया वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का उनका भी हम आइडेंटिफाई करें और उनका कंस्ट्रक्शन के बारे में लेटर प्लान करें। तो पहला चीज ये है कि हम कैसे इन्वेंट एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को हम इन्वेंटरी कैसे बनाएं, आइडेंटिफाई कैसे करें, उनका इन्वेंटराइज कैसे करें। हमने विस्तार रूप से हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने एक गाइडलाइंस के हिसाब से हमने जानकारी आप सबको भेजा था। उसमें हमने पहला ये रिक्वेस्ट किया कि एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे एन्यूमरेट करें। पहला विषय इसमें क्या होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट पोर्टल्स नेशनल लेवल पे है, वारिस हो, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, भुवन पोर्टल हो, बहुत ऐसा जीआईएस बेस्ड वेब पोर्टल्स और डेटाबेस इन्वेंटरी हमारे पास है सरकार भारत सरकार के पास। तो हम ये सब आपको अवगत करवा देंगे। हमारा नेशनल वाटर मिशन जो नोडल एजेंसी है हमारा मिनिस्ट्री का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन हम भेज देंगे। तो ये जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हमारे पास होता होगा वो सब हम आपको भेज देंगे। मगर दूसरा विषय ये है कि हमारे पास बड़ा वाटर बॉडीज का जो
इन्वेंट्री है वो सब हमारे पास है, वो हम बेच देंगे। मगर ये हम जो वाटरशेड अप्रोच में काम करना चाहते हैं, छोटा छोटा वाटर स्ट्रक्चर्स को भी, वाटर बॉडीज को भी हम इन्वेंटराइज करना पड़ेगा। इसके लिए महत्वपूर्ण विषय आपके जानकारी में मैं लेके आना चाहता हूं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट में एक जीआईएस एक्सपर्ट को आप लगा दें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खुद उसको गूगल इमेजरीज पे जाके वो छोटा छोटा वाटर बॉडीज को भी, स्ट्रक्चर्स को भी वो गूगल इमेजरीज के ये करते हुए, हेल्प लेते हुए वो इन्वेंटराइज करें। वो बहुत आसान के विषय है, वो जीआईएस एक्सपर्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हमने, डिटेल गाइडलाइंस हमने भेजा था, तो उसके आधार पे वो आराम से इन्वेंटराइज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होगा, नीचे पिक्चर्स पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक एक वाटर बॉडी का गूगल इमेजरीज के साथ वो पूरा अपलोड कर सकते हैं। अभी इस स्क्रीन पे आप देखिए, एक एक वाटर बॉडी का गूगल इमेजरीज पे जाके वो अप्रोक्सीमेट उसका साइज क्या है, उसका सबमर्जेंस क्या होगा, उसका कैपेसिटी क्या है, ये सब उन्होंने एक पॉलीगन के नाते ये पूरा जानकारी जीआईएस मैपिंग करके वो इन्वेंटराइज कर सकते हैं। तो ये पहला चीज वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो नेशनल वाटर मिशन के तरफ से आपको डेटाबेस मिलेगा, आपका जीआईएस एक्सपर्ट ये इन्वेंटराइज करेंगे, उसका एक केएमजेड लेयर वो बनाएंगे, वो जानकारी की होल मार्कअप लैंग्वेज का आधार पे जो लेयर बनता है उसका आधार पे वो सब जानते हैं केएमएल केएमजेड लेयर क्या होता है, जीएस एक्सपर्ट जानते हैं, उसको बना के एक मास्टर डेटाबेस बना के वो आपको दे देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आग्रह है हमारा कि आप इसका ग्राउंड ट्रूथिंग करवा दें। ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग तरीके के होता है, उन सबको एक टीम बना के आप एक एक ग्राम पंचायत को उसको जिम्मेदारी दे दें। इसीलिए इन सब की ये कन्वर्जेंस होने के नाते वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, पीएचईडी हो, वाटरशेड हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, अलग अलग अधिकारी इसमें शामिल हो टीम में, क्योंकि अलग अलग वाटर बॉडीज का जिम्मेदारी उनका बनता है, तो वो महत्वपूर्ण विषय उनको जानकारी में होता है। तो एक बार वो फील्ड पे जाए और एक ग्राउंड ट्रूथिंग करवा दें। ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए और एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं कि एक मोबाइल ऐप हम आपको दे देंगे। ये मोबाइल ऐप नेशनल वाटर मिशन हमारा, भारत सरकार का, आपके पास बहुत जल्दी ही जल्दी एक दो हफ्ते में हम आपके सामने लेके आएंगे। इसमें ये जो इन्वेंटरी केएमजेड लेयर का इन्वेंटरी हमने दिया है जो फील्ड एक्सपर्ट्स को, फील्ड इंजीनियर्स को, इस मोबाइल ऐप को वो लेके जाके फील्ड में वो ग्राउंड ट्रूथिंग करें। जो हम ये इन्वेंटराइज करते हैं जीएस लेयर्स को इधर जीएस लैब में बैठ के, उसका इन्वेंटराइज का, इन्वेंटरी का पूरा ग्राउंड ट्रूथिंग करके इस मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए वो पूरा विषय, इसका जानकारी 40-50 पैरामीटर्स होगा, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय वो उसमें मोबाइल ऐप में लोड करेंगे, अपलोड करेंगे, तो ये सब प्रेजेंट फंक्शनैलिटी क्या है स्ट्रक्चर का, रिनोवेशन चाहिए नहीं चाहिए, अगर रिनोवेशन चाहिए तो उसका कॉस्ट क्या होगा, ये सब उन्होंने रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। जब वो करेंगे, जब वो ग्राउंड ट्रूथिंग करना चाहते हैं, उसी समय पे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, आपका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनता है उसका, उसके साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं और पूरा फुल एक्यूरेसी के साथ जियो टैग करके अपलोड करेंगे। एक बार वो अपलोड करेंगे, ये मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहता हूं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल हर डिपार्टमेंट का महत्वपूर्ण विषय क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, उसका डिमांड साइड जो एक्टिविटीज बनता है, ओपन वेल हो, ट्यूब वेल हो, फार्म पॉन्ड हो, ड्रिप स्प्रिंकलर, इसका सोर्स क्या है, कैपेसिटी क्या है, कितना इरिगेशन होता है, ये सब इन्वेंटराइजेशन के समय पे, ग्राउंड ट्रूथिंग के समय पे पहला ये गूगल इमेजरीज के साथ ये पूरा रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका इन्वेंटराइज करके केएमजेड लेयर बनाएंगे, फिर फील्ड एक्सपर्ट्स आपका ये पूरा ग्राउंड ट्रूथिंग करके अपलोड करेंगे। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का देख लीजिए, एपिजोमीटर क्या बनता है, ओपन वेल क्या बनता है, वाटर टेबल क्या था अलग अलग महीने में, वो सब रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट, वाटरशेड, फॉरेस्ट और डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट्स का टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या हो,
विलेज पॉन्ड हो, तालाब हो, चेक डैम हो, लेक हो, माइक्रो इरिगेशन टैंक हो, रूफ टॉप इन्वर्टर हार्वेस्टिंग हो, हैंडपंप हो, उनका डिफंक्ट है, ऑपरेशनल है, रिनोवेशन डिसिल्टिंग करने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो कॉस्ट क्या है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है, वो सब उनका अपलोड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पीएचडी डिपार्टमेंट जो ड्रिंकिंग वाटर का काम करते हैं तो उसका ऑपरेशनल क्या है, हैंडपंप का, ओपन वेल का, ट्यूबवेल का, सरफेस वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर हो, उसका क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, टीडीएस हो, केमिकल, बायोलॉजिकल, प्रेजेंट वाटर लेवल क्या है, ये सब उनका अपलोड करेंगे. एक बार ये सब इन्वेंटरी बनेगा आपका तो देन आप एक डिटेल वाटर बॉडीज का, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का जो वो जो जानकारी आपके पास, वो आपका फील्ड एक्सपर्ट्स दे देंगे. देन उसका रिनोवेशन और रिपेयर और रिनोवेशन प्लान्स बना दें, वो आपका टेक्निकल एक्सपर्ट्स हर डिपार्टमेंट का मदद करेंगे, फिर उसका आप एग्जीक्यूट करवाइए. इसके लिए और जो जानकारी मोबाइल ऐप के तरफ से वो अपलोड करेंगे वो सीधा हमारा सेंट्रल सर्वर्स के साथ इसमें आ जाएंगे. जो हमारा सेंट्रल सर्वर है जीएएस लेयर का, जीएएस सर्वर, उसमें ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस में हम ट्रांसफर करेंगे. ये हमारा जिम्मेदारी है. जो आपका साइंटिफिक अप्रोच होगा, एनएसी के साथ हम मिलके नेशनल वाटर मिशन आपका मदद करेंगे और ये पूरा विषय हमारा सेंट्रल सर्वर्स पे आ जाएंगे, आप भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो एक मोटा मोटा देश के पूरा एक नेशनल लेवल पे एक ये हम खड़ा करेंगे एक डेटाबेस और उसके आधारित हम काम करेंगे. और जो स्ट्रक्चर्स रिनोवेशन के लिए मार्क हो गया उसका आप महात्मा गांधी नरेगा के फंड्स या दूसरा अदर फंड्स, आपका नेशनल फंड्स हो, स्टेट फंड्स का, उसके आधार पे आप रिनोवेशन ये करेंगे. और एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज, एग्जिस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का रिनोवेशन रिपेयर के लिए वो जो पहला कदम है हम तुरंत करना चाहते हैं आने वाले एक दो महीने में, ये प्लानिंग भी हो जाए और पैरेलली एग्जीक्यूशन भी चलते रहे. दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि हम नया स्ट्रक्चर्स को भी आइडेंटिफाई करें आने वाले दिनों में. ये पहला कदम है हमारा एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी स्ट्रक्चर्स को मैप करना और उसका रिनोवेशन करना. दूसरा है नया स्ट्रक्चर्स को खड़े करने के लिए हम क्या करें. इसके लिए पहला हम क्या करना चाहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में एक ड्रेनेज डेंसिटी मैप्स या स्ट्रीम नेटवर्क होता है. उसका बहुत स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टेट रिमोट सेंसिंग या इसरो के इसमें डायरेक्शंस में हम ऑलरेडी बना चुका हुआ होगा. अगर वो नहीं बना है तो आप एसआरटीएम या इसरो का कार्टोसेट मैप्स के आधारित पे आप ये बना सकते हैं और ये बनवा के आप ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं और जो अनटैप्ड ड्रेन्स बनता है उसका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को उसके ऊपर ये करके अनटैप्ड ड्रेन्स को सुपर इम्पोज करके फिर आप ये लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके फिजिबल स्ट्रक्चर्स को मैप कर सकते हैं. फिर उसके आधार पे आने वाले दिनों आप इस नया स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करें. ये आगे बढ़ाने के लिए हर साल में ये करने की कोशिश करें. तो लास्टली जल शक्ति केंद्र के बारे में अशोक जी ने आपको ऑलरेडी अवगत करवाया तो जीएस एक्सपर्ट्स को इसमें बिठाइए और उसका पूरा एक नॉलेज सेंटर के रूप में आपका मदद करते रहेंगे. एंड फाइनली ये जो जीएस एक्सपर्ट का ये करने के लिए जो 2 लाख हमने देने वाला है उसको उपयोग करते हुए आप इस जीएस एक्सपर्ट को काम में लेते हुए ये एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज को इन्वेंटराइज करवा दें और नया वाटर बॉडीज को भी इन्वेंटराइज करवा दें. पहले रिपेयर रिनोवेशन करें, बाद में कंस्ट्रक्शन करें. तो ये मोटा मोटा हम मैं हाई लेवल पे आपको ये करवाया था, मतलब आपको जानकारी लेके मैं लेके आने की कोशिश किया. तो अभी हम इस विषय के आधार पे अगर आपको कुछ ये है कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसा कुछ आप ये करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं. मगर डिटेल्ड जो हमने आपको अवगत करवाया था तो आपके सामने पूरा गाइडलाइंस अवगत है आपके पास. तो जो भी विषय हो आप हमारे संपर्क में रहते हुए आप काम करने की कोशिश करें. धन्यवाद. हेलो, कैन यू हियर मी उदय जी?
Yes, yes, I can hear. Okay. Thanks a lot, Vedeji. So, collectors, collectors, DM se mera request hai ki, see, we are only giving a brief introduction today. Aap go through the email which I have given you. There is both details diya hua hai. Second, please try to identify a technical person who has a little bit knowledge of the GIS and all. So we'll have a technical session later on. But this is basically, the idea is to get you involved in that and see that you are the bank accounts ke bare mein aapko avagat karana, and you please send the information, we'll send you that. And see that by end of this month or at least in the next month, you set up the Jal Shakti Kendras. Technical details, please, we'll discuss with the technical person from your office and we'll work on that. So I request all of you to send by return mail the name of the technical contact person in a week's time so that we can follow up on that. Thank you. Now, you can also use your services of your DIO, because we send a lot of bulk mails to the DIO. Please tell your DIO to get these mails which come from the Jal Shakti Abhiyan can send her to you. It will all come in the jsactr.mowr email se aayenge. And now I throw the open floor for any collectors. If they have any clarification, they can ask it. Otherwise, we can close this meeting. So anybody from the district, if you have any clarification, please ask on that. If there are no more queries, I will probably close this meeting. I thank the Honorable Minister for Jal Shakti, Sri Gajendra Singh Shekhawatji, who gave a very detailed introduction and the directions on the Jal Shakti Abhiyan Cash the Rain campaign. He has to go for a cabinet meeting, isliye he has left it. We seek his guidance and directions for all the future programs. I also thank Dr. Mahendra Singh Ji, the Honorable Minister for Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh, who has taken a lot of effort, because I had also been associated with him when I was in the earlier post as Jal Shakti in the Namami Gange program. So we have seen the enthusiasm with which he responds and acts for the on the water related issues. Thank you, sir. Thank you for attending this video conference, and I'm sure that you will be guiding the district magistrates to fulfill the dream of the Prime Minister for Tankar Mukt Bharat. We would like to have maximum rainwater storage so that the issues of water shortage in summer, as well as urban floodings during the severe rainy season, are addressed. Thank you, sir. And I request all the collectors and the DMs that please check up your emails and check up the emails sent from the National Water Mission and respond to that. In a week's time, please inform us about the technical person who will be contacting. Second, the second in command in your place, so that we'll not disturb you regularly. We require a person from your administration who we can correspond and talk to directly regularly for getting information on that. And third is send your bank account number so that we can give the money to start the Jal Shakti Kendras. Thanks a lot. Thanks for attending the video conference.